हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन यूट्यूबर रुचि और मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। सॉरी, मेरा ना थोड़ा गला प्रॉब्लम कर रहा है। मे बी यहाँ आवाज़ शायद क्लियर नहीं आ रही होगी, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि क्लियर आए। आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा तो कुछ लिखता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग या ट्रिक अपना सकते हो, है ना, ताकि वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज़ लेके आई हूँ जिससे आपका बच्चा खेल खेल के साथ पढ़ाई भी करेगा। आपने सुना ही होगा कि हम बच्चों को मैचिंग कराते हैं ना, तो जो मतलब पिक्चर्स के साथ अगर अपने बच्चों को आप पढ़ाओगे ना, तो वो इंटरेस्ट लेगा बहुत पढ़ाई में। ये मैंने खुद अपनी बेटी के साथ किया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो फर्स्ट वी ऑल डूइंग पिक्चर मैचिंग। जैसे आप अपने कोई भी लड़का हो या लड़की, ऐसे नहीं बोल सकती मैं, मेरे मुँह से बेटा ही निकलता है। जैसे आप अपने बच्चे को यहाँ बना के दे सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर मैचिंग, ओके। पिक्चर मैचिंग में जैसे आपने यहाँ पे एक बॉल बन एप्पल बना दिया, एक बॉल बना दी, और क्या बनाएंगे हम, हार्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने हार्ट बना दिया, एप्पल बना दिया, यहाँ पे आपने बॉल बना दी। फोकस नहीं कर रहा, आई थिंक फोकस क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, तो आप ये बना के दो ऐसे कि बेटा इनको मैच करो, उसको ना इंटरेस्ट आएगा पिक्चर से, ना मैचिंग करने में उसको इंटरेस्ट आएगा, वो तुरंत आपको मैच करेगा और तुरंत देगा। तो इसको बोलते हैं हम पिक्चर से पिक्चर मैच करना। अब सेकंड आता है हमारा पिक्चर से अल्फाबेट मैच करना, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने बनाया एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, कैसे बनाते हैं। चलो डॉग छोड़ो, यहाँ हमने लिखा ए बी सी, है ना। ये आप अपने बच्चों को दो बना के उसको मैच करने में, मतलब उसको अच्छा लगेगा, कलरफुल दो उसको, है ना। मैंने तो एक ही स्केच यूज़ कर लिया, आप उसको कलरफुल बना के दो, वो उसको जल्दी जल्दी आपको करके, और वो इंटरेस्ट लेगा पढ़ाई में। देखना आप एक बार ट्राई करके पक्का मुझे कमेंट करके बताना कि आपके बच्चों ने इंटरेस्ट लिया कि नहीं लिया। इसके बाद आता है शेप्स मैचिंग करा सकते हैं। है ना, ऐसे आप उनको बना के दे दो और मैच करने के लिए दे दो। इसके बाद आता है अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, सॉरी अल्फाबेट, जैसे आपने यहाँ पे अल्फाबेट लिख दिया, इस तरीके से, है ना। उसको बोलो बेटा अल्फाबेट ए से ए मैच करो, बी से बी करो, सी से सी करो, मतलब उस ए तो इस तरीके से ना उसका आप उसको बोलोगे बेटा ए से ए मैच करो, तो उसको पता चलेगा ए हम किसको बोलते हैं, है ना, बी हम किसको बोलते हैं, है ना। ये चीज उसकी क्लियर होगी। इसके बाद आप एक उसको दे सकते हो
जैसे आप यहाँ पे आपके बच्चों को अगर काउंटिंग आ गई है, 10 तक भी आ गई है ना, तो उसके बाद आप उसको ऐसे दो बना के, बेटा काउंट करो 1 2 और यहाँ पे 2 लिखो। पक्का बहुत इंटरेस्ट लेगा वो पढ़ाई में। जैसे 1 है, अगर 10 तक भी आती है, 5 तक भी आती है ना, तो भी आप ये वाली ट्रिक उसके साथ यूज कर सकते हो। पता नहीं क्या आ रहा है, मेरा ही हाथ आ रहा है क्या। जैसे इसके बाद आपने यहाँ पे उसको कुछ और चीजें बना के दे दी हैं। मान लो आपने 3 फ्लावर बना दिए है ना, है ना, उसके बाद आपने कैट बना दी। ये हो गई इस तरीके से। आप उनको ऐसे कि बेटा इससे ना उसको काउंटिंग भी आएगी और काउंट करना भी आएगा। 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 3 है 3 लिखो, 1 है 1 लिखो, 2 है 2 लिखो, है ना। इसके बाद हम कर सकते हैं नंबर्स मैचिंग। जैसे आपने यहाँ लिख दिया 1 2 3, यहाँ लिख दिया 3 1 2, बेटा मैच करो। इसके अलावा अगर आपके बेटे को बच्चों को ABCD भी आती है, मतलब स्मॉल वाली भी आती है और कैपिटल वाली भी आती है, तो इसमें एक ये वाला ऑप्शन भी आ जाता है हमारे पास कि हम उसको स्मॉल से कैपिटल वाला भी दे सकते हैं। जैसे ABC, है ना, ये वाला भी आप उसके साथ मैच करा सकते हो। लेकिन आप कोशिश करना कि एक दिन में कम से कम 3 या 4 नंबर ही इंट्रोड्यूस करें उसको, है ना। तो इंट्रोड्यूस सिर्फ 3 या 4 नंबर ही करने हैं, उसके बाद उसको रिवाइज कराते रहना है बस डेली, है ना। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, वो बहुत खुश होकर करते हैं ये सब कुछ। मेरी बेटी तो बहुत खुश होकर करती है। मैं उसको पढ़ाने के लिए बोलती हूँ, जैसे ही काम करने के लिए बोलती हूँ, तो वो हमेशा बोलती है कि मम्मा मुझे ना मैचिंग दोगे आप। तो मैं उसको बोलती हूँ हाँ, कि आप अपना होमवर्क करो, फिर मैं आपको घर वाली कॉपी में मैचिंग दूंगी। तो मैं उसको हमेशा यही बोलती हूँ कि बेटा पहले होमवर्क कर लो, उसके बाद हम मैचिंग करेंगे। तो वो खुश हो जाती है और मैचिंग करने के चक्कर में जल्दी से अपना होमवर्क कर लेती है। तो ये एक ट्रिक भी आप अपना सकते हो, अगर आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, उसको इस सब सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। उसका ना ये जो उसका माइंड है ना, वो खोलेगा, है ना। कई सारे बच्चे होते हैं कि आता है बट करते नहीं है, करते नहीं है ना। वो उसको एक तो क्या होगा कि उसको रिकग्नाइजेशन हो जाएगी, है ना, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी इन सब चीजों से। मैचिंग करने से ना बच्चों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि उनकी रिकग्नाइजेशन हो गई, रीडिंग हो गई, काउंटिंग हो गई, है ना। इन एक्टिविटी को 3 साल या 3 साल से छोटे बच्चों को जरूर कराएं, उनको और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहना, और मुझे अपना प्यार प्लीज़ 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 ऐसे ही देते रहना। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। सो थैंक यू, बाय बाय।